दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें 3 भर्तियां ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं पास के लिए भी सुनहरा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल में। डाक विभाग के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है इसमें पोस्टल असिस्टेंट PA, सोर्टिंग असिस्टेंट SA, पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की 46 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 नवंबर 2021 है। सैलरी की बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 है, पोस्टमैन के लिए 21,700 से 69,100 है, MTS के लिए 18,000 से 56,900 है। योग्यता की वहीं बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट पोस्टमैन के लिए इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट PA, SA और पोस्टमैन के लिए 18 से 27 वर्ष है, MTS पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस यहां पर ऑल ओवर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, जो कि आप चालान के माध्यम से किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन स्पोर्ट क्वालिफिकेशन से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। indiapost.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस की जाए तो आपको नोटिफिकेशन की PDF में ही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर जॉब जो निकली है वो निकली है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। बिजली भाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO और जूनियर इंजीनियर JEE की। यहाँ पर 707 वैकेंसीज है। DEO के लिए 400 है, JEE के लिए 307 पद है। आवेदन प्रक्रिया की डेट यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 29 सितंबर 2021 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 अक्टूबर 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 अक्टूबर 2021 ही है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी की जाए तो डाटा एंट्री के लिए 19,800 से 62,600 है, JEE के लिए 35,400 से 112,400 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डाटा एंट्री पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। JEE के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 डाटा एंट्री के लिए और JEE के लिए 19 से 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस भी डाटा एंट्री के लिए UR OBC के लिए 700 है, SST के लिए 500 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट कर सकते हो। JEE पोस्ट के लिए UR OBC के लिए 1,000 रुपये है, SST के लिए 700 है, जो कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ CG जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। CSPDCL.CO.IN ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डायरेक्टरी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पर पोस्ट है। शिक्षक के लिए बम्पर भर्ती की अपडेट है। 6,296 वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की डेट स्टार्टिंग डेट 30 सितंबर 2021 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 अक्टूबर 2021 है। सैलरी 14,000 से 60,500 है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, साथ में BEd और TET एग्जाम पास से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। फी जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। एजुकेशन मेरिट के आधार पर चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है।
माध्यमिक.असम.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। 357 वैकेंसीज है। डेट्स की अगर इसमें बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 28 सितंबर 2021 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 अक्टूबर 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 27 अक्टूबर 2021 है। सेलरी आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मास्टर डिग्री यानी के पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1550 रुपये है, एससीएसटी के लिए 650, ऑल कैटेगरी फीमेल और पीएच के लिए 50 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और एमपी ऑनलाइन कियोस्क फी मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है इलाहाबाद के अंतर्गत। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी .ac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है इसमें जनरल मैनेजर, DGM मैनेजर या डिप्टी मैनेजर, इंजीनियर, सोयल एनालिस्ट, शिफ्ट इंचार्ज लैब या शिफ्ट केमिस्ट, इन्वायरमेंटल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, EDP ऑफिसर, ऑपरेटर, अटेंडेंट या हेल्पर। और भी यहाँ पर पोस्ट निकली है, सभी के लिए 255 वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अक्टूबर 2021 है। आप सेलरी पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 10वीं 12वीं पास, ITI ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है। मैक्सिमम मैनेजमेंट के लिए 57 है और नॉन मैनेजमेंट के लिए 55 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। HPCL बायोफील्ड.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन पर फॉर्म और ऑफिशियल एड्रेस आपको नोटिफिकेशन की PDF में ही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग PSC के अंतर्गत भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, CGPSC की भर्ती है। प्रोफेसर की पोस्ट है। 595 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 37,400 से 67,000 रुपये सैलरी लेवल 14 के अंतर्गत पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। PhD डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 31 से 45 वर्ष है। फीस की अगर बात की जाए तो SC ST OBC कैटेगरी जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए 300 रुपये फीस है। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये फीस है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चालान और कियोस्क से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। PSC.CG.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18-12 अक्टूबर 2021 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 12 अक्टूबर 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन की डेट 13 से 17 अक्टूबर 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी के 4 अक्टूबर 2021 की top 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इसे किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।